हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूं व्हाट्सएप को लेके। फ्रेंड्स, आप भी व्हाट्सएप वेब यूज करते हैं, साथ ही साथ अपना व्हाट्सएप अकाउंट को आप सिक्योर भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप अब व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारा काम करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इसी व्हाट्सएप के जरिए आपका फाइनेंशियल बहुत ही बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। कुछ इसी तरह का रिपोर्ट है आज का। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और व्हाट्सएप का वेब वर्जन आप यूज करते हैं आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर, तो उस टाइम में कभी भी आपके साथ ये नया तरीका का व्हाट्सएप फ्रॉड हो सकता है। और आज के रेट में व्हाट्सएप एप्लीकेशन बहुत ही कम संख्यक लोग ही हो सकता है जो व्हाट्सएप यूज नहीं करता है, बट आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा एडुकेशन पर्पस, बिजनेस पर्पस, चाहे कनेक्टिविटी का कोई भी जरिया हो, चाहे किसी भी तरह कनेक्टिविटी करना है, तो उस टाइम लोग व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी व्हाट्सएप के जरिए बहुत ही बड़ा साइबर फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, फुल डिस्कस करने वाला हूं ऐसा कौन सा रिस्क है जो व्हाट्सएप यूज करने से हो सकता है और किस तरह से हम लोग बच सकते हैं व्हाट्सएप का नया तरीका का फ्रॉड से। तो फुल जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को। जिस तरह का टेक वीडियो, क्रिएटर बेसिस वीडियो, साथ क्रिप्टो बेसिस वीडियो में डेली आप लोगों लगातार लाते रहता हूं इस चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, आज के रेट में स्कैमर लोग व्हाट्सएप के जरिए बहुत जोरों से नया तरीका का स्कैम करने का कोशिश करता है और इस जाल में हर रोज कोई ना कोई फंस जाता है। और ऑनलाइन फ्रॉड एक ऐसा चीज है, कभी भी किसी के साथ किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए फ्रेंड फैमिली सर्कल के अंदर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप के जरिए किसी भी तरह अगर कोई मैलवेयर फाइल अगर आपको भेज देता है और वो फाइल को अगर आप ओपन करते हैं, उस टाइम में आपका डिवाइस का कंट्रोल स्कैमर के पास जा सकता है। आपका फ़ोन के अंदर जितना भी डाटा है वो सारा डाटा स्कैमर चुरा सकता है और उसके बाद आपके साथ ब्लैकमेल का स्कैम कर सकता है। साथ ही साथ आपका जो फाइनेंशियल एप्लीकेशन जो आप यूज करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट या इंटरनेट बैंकिंग, वो सारा डाटा स्कैमर लूट सकता है इसी व्हाट्सएप के जरिए मैलवेयर फाइल भेज के आपका डिवाइस के अंदर। तो फ्रेंड्स, हर टाइम चौकन्ना रहना चाहिए, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का सेफ्टी के बारे में भी आपको जानना होगा, नहीं तो कभी भी किसी भी वक्त किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। फ्रेंड्स, आज के रेट में हम लोग मोबाइल में तो व्हाट्सएप यूज करते ही हैं, साथ ही साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर लोग व्हाट्सएप लॉगिन करके रखते हैं। मैं खुद यूज करता हूं मेरा पीसी के अंदर व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए कोई भी कंप्यूटर का कोई भी फाइल अगर हम शेयर करना चाहें या रिसीव कर रहे कोई भी फाइल, तो उस टाइम में हम लोग व्हाट्सएप को भी पीसी में या लैपटॉप के अंदर भी यूज कर पा रहा हूं। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। स्कैमर लोग इसी एडवांटेज का दुरुपयोग करके बहुत ही बड़ा एक नया तरीका का स्कैम का साजिश कर रहा है, जहां पे किसी भी तरह अगर आप वो गलती करते हैं तो उस टाइम में आपका डिवाइस का कंट्रोल, साथ ही साथ आपका व्हाट्सएप का जो आपका जो इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप अकाउंट है उसका भी कंट्रोल स्कैमर लोग लेके आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह का रिपोर्ट है इंडिया टुडे का, जहां पे बताया जा रहा है ऐसा बहुत व्हाट्सएप यूजर है जो व्हाट्सएप डेस्कटॉप वर्जन को यूज करता है लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर, तो उस टाइम में इसी डेस्कटॉप को यूज करते समय इंटरनेट में सर्च करता है व्हाट्सएप वेब वर्जन, तो उस टाइम में स्कैमर का हूबहू सेम देखने वाला व्हाट्सएप का एक पेज आता है, जहाँ पे व्हाट्सएप वेब नाम का ही कुछ चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया जा सकता है। साथ ही साथ जिस टाइम में व्हाट्सएप वेब वर्जन में लॉगिन करते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके, कुछ उसी तरह से अगर हम लोग स्कैन कर लेते हैं वो क्यूआर कोड को, तो वो कोडेड रहता है और उसी टाइम में हम लोगों का जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो स्कैमर का कंट्रोल में चले जा रहा है और उसी टाइम में आपके साथ ब्लैकमेल शुरू, साथ ही साथ आपका डिवाइस का कंट्रोल ले सकता है और आपका फ़ोन के अंदर जितना भी डाटा है वो सारा डाटा स्कैमर लूट सकता है और उसके बाद ही आपके साथ ब्लैकमेल शुरू कर देगा। आपको बताया कि अलग अलग अकाउंट में हमको पैसा भेजिए, तभी आपका व्हाट्सएप का कंट्रोल आपको मिल सकता है। बट इससे बचे कैसे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और ऑनलाइन फ्रॉड ऐसा चीज है, कभी भी किसी के साथ किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए फ्रेंड फैमिली सर्कल के अंदर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। व्हाट्सएप वेब वर्जन को यूज करने के लिए जो सब यूजर इंटरनेट में सर्च करते रहता है और उसी टाइम में कुछ इस तरह का कॉपी वेबसाइट उनको दिखाया जाता है और कुछ इसी के वजह से बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है।
फ्रेंड्स आप भी अगर व्हाट्सएप वेब वर्जन को यूज करते हैं तो आपके साथ कभी भी हो सकता है, बट उसका सही वे क्या है। फ्रेंड्स अगर आप व्हाट्सएप वेब वर्जन को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट के जरिए ही आप व्हाट्सएप वेब को इस्तेमाल कर सकते हैं और एकदम ऑफिशियली है, जिसमें आपको स्कैम होने का कोई भी चांसेस नहीं रहता है। फ्रेंड्स अगर आप गूगल में सर्च करते हैं व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने चले आएगा, और उसके बाद ही आप जब भी आप एंटर करते हैं व्हाट्सएप वेब का एक लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जब भी आप उस लिंक में क्लिक करिएगा और जिस तरह से क्यूआर कोड आपके सामने शो होगा, यही है ओरिजिनल व्हाट्सएप वेब का ऑफिशियल वेबसाइट। तो फ्रेंड्स इस टाइम में स्कैमर लोग आपका गलत सर्च के वजह से कुछ इस तरह का वेबसाइट में आपको लेके जा रहा है, और जिसके वजह से आपका व्हाट्सएप अकाउंट रिस्क में जा रहा है, साथ ही साथ आपका जो फाइनेंशियल एप्लीकेशन है और आपका जो डिवाइस है वो सारा डिवाइस का कंट्रोल भी स्कैमर के पास जा सकता है। तो इस टाइम में सावधान हो जाइए। अगर आप व्हाट्सएप वेब को इस्तेमाल करते हैं तो इस टाइम में आपको ध्यान से इस्तेमाल करना है, कभी भी कुछ इस तरह का गलती ना करें जिसके वजह से आप फ्रॉड व्हाट्सएप वेब जो वेबसाइट है उसमें जाते हैं और उसके बाद स्कैन करते हैं, तो उस टाइम में स्कैम होने का चांसेस रहता है। तो इस टाइम में सावधान रहिए, कुछ इस तरह का भी रिपोर्ट आया है। अगर आपको व्हाट्सएप वेब यूज करना है आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए व्हाट्सएप का, और उसके बाद ही आप वहां से व्हाट्सएप वेब वर्जन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये चीज भी आपसे नहीं हो रहा है तो इस टाइम में लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम 10 या उससे अपर वर्जन यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपका जो वेब स्टोर है वहां पे जाके आप व्हाट्सएप सर्च करिए, एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा, उसको इंस्टॉल करिए और यूज करिए। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए, और कोई भी साइबर फ्रॉड अगर आपके साथ होता है तो उस टाइम में आप इस नंबर में कॉल करके ऑनलाइन कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं। और साइबर फ्रॉड जब भी आपको हो 24 आवर के अंदर कॉन्टैक्ट करें, उस टाइम में जितना भी फाइनेंशियल फ्रॉड होगा उस टाइम में वो पैसा मिलने का चांसेस भी ज़्यादा रहेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं किसी नया टेक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम नॉट रेडी वीडियो। We'll be right back.